बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्नेक प्लांट को किस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और कुछ सीक्रेट्स आपसे शेयर करूंगा और किस तरह से इसको प्रोपगेट किया जा सकता है, कैसे इसकी केयर की जा सकती है। वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स आई हैव एवर सीन, ये जो है वो स्नेक प्लांट है और बहुत ही ईजी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर कोई बिगनर लेवल पर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे बेहतरीन प्लांट जो है वो ये स्नेक प्लांट है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्लांट के बारे में सब कुछ जानते हैं तो हो सकता है आप गलत हों, तो आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। आपको पता है कि इसको अब सेंसिविलिया नहीं कहा जाता है, अभी इसको ड्रेसिना ट्रैफेसियाटा कहते हैं। स्नेक प्लांट मदर इन लॉ टंग इसका नाम है, काफ़ी सारे नामों से जो है वो ये पहचाना जाता है, और इंडोर लो लाइट के लिए सबसे बेहतरीन प्लांट है, बेहतरीन एयर प्योरीफाइंग हाउस प्लांट है। और इंडोर लो लाइट के अंदर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर, अगर ट्रेडिशनल या मॉडर्न होम की बात की जाए तो ये प्लांट सबसे बेहतरीन चॉइस है, और इसको बहुत ही आप ईजिली किसी भी कॉर्नर पर जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो स्ट्रेट अपवर्ड की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और इधर उधर नहीं फैलते ज़्यादा। तो ये इसका एक बहुत ही डिफरेंट लुक है, जो कि आप कहीं पर भी अपने रूम में, किसी भी जगह पे अपने घर में इसको फिट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि कहलाता है हार्ड टू किल। इसको आप जितना भी, जो भी आप इसको, ये डेढ़ से डेढ़ पौधा है, आप इसको जो भी आप इसको इन्वायरमेंट दे दें, सख्त से सख्त इन्वायरमेंट दे दें, लेकिन ये सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये एक सप्लेंट प्लांट है। जिस तरह से मैंने रिसेंट अपनी वीडियो अपलोड की है सप्लेंट्स की, तो ये भी एक सप्लेंट प्लांट है और इसके अंदर पानी स्टोर करने की सलाहियत होती है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट कहलाता है ये, क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि अगर आप पूरा महीना भर भी इसको पानी ना दें और इसको बहुत ही अंधेरे में भी रख दें इसको, तो ना इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, ना रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये बिगनर लेवल के लिए जो है बहुत ही बेस्ट प्लांट जो है वो ये माना जाता है। अक्सर प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा कि उसको पानी ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जिसको पानी बहुत कम देना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ही ये जो है इसका काम ख़राब होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरह से जो है वो बेहतरीन ग्रोथ चल रही है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ओवर वाटरिंग से बचाया हुआ है इसको, और आप देख सकते हैं सारे न्यू लीव्स जो है वो आजकल इसके बेहतरीन तरह से ग्रो हो रहे हैं। स्नेक प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी आपको कुछ वैरायटी डिफरेंट दिख रही होंगी। एक ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है वो ये येलो कलर की स्ट्राइप्स यहाँ पर कॉर्नर में मौजूद हैं, जबकि ये वाला जो है ये स्नैक पैटर्न के अंदर है, ये स्नैक पैटर्न के तरह जो है वो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट पैटर्न है। बहुत सारी इनकी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, और इनके बारे में जो है वो अभी हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो किस किस तरह से इसको प्रोपगेट किया जा सकता है, कौन कौन से इसके सीक्रेट्स हैं, तो चलें आगे देखते हैं। ऑलराइट जी, अच्छा मैं पहले जो आपको वीडियोस वगैरह अपलोड करके दिखाई हैं मैंने प्रोपगेशन वगैरह की, उसके अंदर मैंने लीफ प्रोपगेशन की थी, और आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम रूट डिविजन कर सकते हैं। तो ये अभी जो मैं पॉट लेकर आया था नर्सरी से, तो ये ड्वार्फ जो है वो कैटेगरी है इसकी, स्नेक प्लांट की ड्वार्फ कैटेगरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनकी ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही हैं ये लाइंस, ये बेसिकली इसकी जो रूट्स होती हैं उनका कलर ऑरेंज कलर का होता है, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनके छोटे छोटे जो है वो ड्वार्फ के काफ़ी सारे प्लांट्स छोटे छोटे मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि क्योंकि ये पॉट पूरा का पूरा जो है वो बहुत अच्छे से भरा हुआ था, और इसको जो है वो अब मैंने क्या करना है, रूट डिवीजन के थ्रू इनको मैंने अलग अलग कर देना है, ताकि इनको सेपरेटली जो है वो लगाया जा सके। तो बहुत ही सिंपल है, इनकी रूट्स आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो हमने डिवाइड कर देना है इनको। रूट्स बहुत ज़्यादा इस कैटेगरी के अंदर, मैं अगर ड्वार्फ की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूट्स जो है वो बड़ी नहीं होती, अटैच नहीं होती एक दूसरे से, बल्ब टाइप की जो है वो इसके अंदर रूट्स नहीं होती, सिंपल छोटी छोटी रूट्स होती हैं, जिस तरह से एलोवेरा अगर आपने देखा हो, एलोवेरा की तरह जो है वो इसकी रूट्स होती हैं, तो आप उनको ईजिली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और अगावा जो है वो अगर आपने देखा हो तो अगावे भी जो है वो इसी तरह से होता है, तो इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी जो है वो रूट्स नहीं होती, छोटी छोटी रूट्स होती हैं इनकी, और जो मेन जितना बड़ा पॉट होगा और जितना बड़ा प्लांट होगा उस तरह से जो है वो उसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो है वो रूट्स हो जाती हैं। तो मैं इनकी थोड़ी सी ट्रिम कर रहा हूँ रूट्स को, और ताकि जो है वो ये मज़ीद अपनी ग्रोथ जो है वो कर सके रूट्स को। तो ये एक जो इनमें सबसे बड़ा है, और इनको मैं जो है वो यहाँ लगा रहा हूँ प्लास्टिक पॉट के अंदर, बेसिकली ये प्लास्टिक का बॉल है और इसके अंदर जो है वो मैं इनको लगा रहा हूँ, और इसको जो है वो नीचे से प्रॉपर ड्रेनेज मिलनी चाहिए। दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप स्नेक प्लांट स्पेशली अगर आप प्लास्टिक के व्हाटएवर जो भी आप पॉट यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी आप प्लास्टिक का जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं जिसमें आप लगा रहे हैं स्नेक प्लांट को, तो कोशिश यही करनी है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि स्नेक प्लांट जैसे मैंने अभी आपको बताया एक सकुलेंट कैटेगरी का प्लांट है, तो ओवर वाटरिंग जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है स्नेक प्लांट को चीज़, वो है इसकी ओवर वाटरिंग। अगर पानी इसको ज़्यादा मिलता रहेगा इनकी रूट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगी, और वहाँ पर ये आपका स्नेक प्लांट जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा मैंने डिवाइड कर दिया रूट डिवीजन के थ्रू, और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये ऑलरेडी काम जो मैंने किया था ये तकरीबन जैन या फेब में किया था,
उसकी जो है ये मोबाइल से वीडियो बनाई थी। और अभी मैं आपको अगर दिखाऊं जो करंटली आजकल की जो कंडीशन चल रही है इसकी, तो मैंने इनको पॉट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया था आगे, क्योंकि प्लास्टिक में मुझे ये सही नहीं लग रहे थे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो रही थी, इनको मैंने टेराकोटा में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। तो यही मैं आपको बता रहा था कि स्नैक प्लांट के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये होता है कि आप उनको टेराकोटा पॉट के अंदर जो है वो रखा करें। अभी आप देख सकते हैं इनके जो आपको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, वो इनके न्यू लीव्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये जो आप देख सकते हैं नीचे से जो है वो इनके मज़ीद पप्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, नीचे से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो न्यू जो है वो डॉर्फ हमारे पास अब आने वाले हैं इंशाल्लाह। और एक और आपको मैं कैटेगरी यहाँ पर दिखाऊँ तो ये भी मैं इनके साथ लेकर आया था, और ये जो है वो इसकी डिफरेंट कैटेगरी है, मूनशाइन जो है वो ये मेरे ख्याल में मूनशाइन ही आई है। तो इसके अंदर जो है वो हमने इसको रूट डिवाइड किया था, इसकी भी रूट डिवीज़न की थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस दिखाना है इनकी रूट्स का, तो वो आप देख सकते हैं कि जो हमने ड्वार्फ देखा है उनकी रूट्स और इनकी रूट्स में कितना फ़र्क है। तो इनकी रूट्स जो आप देखेंगे वो ट्यूब की तरह हैं और बल्ब की तरह जो है वो इनकी मोटी, काफ़ी मोटी जो है वो इनकी रूट्स होती हैं, और इनको डिवाइड करना भी आसान होता है। इजीली आप इनको डिवाइड करके इनको जो है वो आप सेपरेट कर लेते हैं, और उनकी मदद से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग पॉट्स के अंदर और जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो जो मेन रूट हैं वो इनकी काफ़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं और बल्ब की तरह होती है, जिस तरह से अगर आप फ्लावर बल्ब देखें उस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी रूट्स, तो काफ़ी मोटी जो है वो रूट्स इनकी हैं। तो इनको पहले मैं आपको क्लियर करके दिखा सकता हूँ, आप ये अच्छे से देख सकें ताकि इनकी रूट्स को किस तरह से इनको जो है वो आप क्लियरली देख सकें। ये एक देखें अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बल्ब जो है वो जिस तरह से फ्लावर बल्ब होता है इसी तरह से इसकी मोटी रूट है, और ये बिल्कुल मैंने सेपरेट कर दिया है, और इसके साथ कोई लीफ नहीं है, इसका कोई पत्ता नहीं है, इसका सिर्फ एक ये पार्ट है इसका, वो मैंने इसको सेपरेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये इसके जो है वो मज़ीद इनके साथ जो है वो लीव्स लगे हुए हैं। तो इनको जस्ट आपने क्या कर लेना है, सिंपली इनको अलग अलग कर लेना है, इनको आपने तोड़ लेना है, इनको सेपरेट कर लेना है, इस तरह से आपके जो है वो ये रूट डिवीजन इस तरह से होती रहेगी। इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूँ, सिंपली आपने बस अलग कर लेना है इनको, और आप इनको जो है वो सेपरेट करके लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपने लगाना है इनको आप इजीली जो है वो इनको लगा सकते हैं। तो ये तीन जो है वो एक को मैंने तीन में डिवाइड कर दिया, जो एक प्लांट था मेरे पास उनको मैंने तीन में डिवाइड कर दिया, और ये बल्ब जो है वो ये सेपरेट हो गया। ये आजकल के हालात चल रहे हैं, ये देख सकते हैं जो मैंने ये एक सेपरेट किया था जिनमें दो लीव्स थे, उनके अंदर से न्यू लीव्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो मैंने दो और सेपरेट किए थे इनको मैंने एक पॉट में लगा दिया, टोटल तीन थे तो दो को मैंने एक पॉट में लगा दिया, और जो दो लीव वाला था उनको मैंने एक अलग पॉट के अंदर लगाया है। इनका आप देख सकते हैं, एक तो उसके अंदर से न्यू लीव निकल रहा है और एक जो है वो पप्स इसके जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए। यहाँ से देख सकते हैं कि एक न्यू जो है वो यहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको भी अगर मैं रूट डिवीजन के थ्रू जो है वो सेपरेट करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ, उस लीव को तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो उन लीव्स के अंदर से जो है वो नया लीव निकल रहा है, लेकिन जो दूसरा है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं इनके भी जो है वो ये देख सकते हैं ये पप्स इसका जो है वो निकल रहा है। अब देखें कहाँ उसका जो पुराना है लीव वो कहाँ पर मौजूद है और नया वाला कहाँ से निकल रहा है, तो ये इनकी रूट्स से जो है वो ये जनरेट होते हैं न्यू। अच्छा तो ये क्या है, एक मिनट, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो बल्ब है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये बिल्कुल वही बल्ब है, इसको मैंने यहाँ पर मिट्टी के अंदर लगा दिया था, बिल्कुल इसके अंदर कोई लीव वगैरह नहीं था, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से लीव निकलना स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं आप इसके अंदर से भी जो है वो आप प्रोपगेट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं स्नैक प्लांट को। तो ये आपके सामने इसका रिज़ल्ट भी मौजूद है, बहुत ही अच्छे से इसका जो है वो एक फ्रेश लीव जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेडिशनल एक हमारा जो मैंने आपको पुराना तरीका आपको दिखाया है, ऑलरेडी इसकी मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको मज़ीद चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आगे आपने देखनी है, अगर आप साथ साथ चलते रहेंगे वीडियो के तो वो आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो मैं नई चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने लीफ डिवीजन मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये जो काम है इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ये इनके अंदर कोई रूट्स वगैरह नहीं है, फर्स्टली इसको रूट अपनी डेवलप करनी पड़ती हैं, जब रूट डेवलप हो जाती हैं देन जो है वो ये अपने
इसके न्यू लीव्स निकलेंगे। तो ये इस तरह से लीव हमने जो है वो क्या कर लेना है, कट कर लेना है। इसका मैं आपको बताता चलूँ तो ये इसका ऊपर का टॉप पोर्शन होता है, ये इसका बॉटम पोर्शन होता है। इसका देखें जो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे से जो लीफ निकाला है, तो उसका भी टॉप और बॉटम है। तो इनको ये आपने याद रखना है कि जो इन दोनों के बॉटम हैं वो मिट्टी के अंदर जाने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इनको जो है वो प्रोपेगेट करना है लीफ के थ्रू। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ऊपर रहेगा, जो इनका बॉटम वाला पोर्शन होता है वो आपने जो है वो मिट्टी के अंदर डालना होता है, तो उसको आपने याद रखना है। इस तरह से एक और लीफ जो है वो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूँ, क्योंकि वो छोटा था। और अगर आप एक चीज़ नोट करें इनके अंदर, तो इनके ऊपर जो टिप्स हैं वो काफ़ी ब्राउन ब्राउन हो चुकी हैं। इसके दो रीज़न होते हैं, या तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। जस्ट लाइक जो मैंने आपको लास्ट अभी वीडियो अपलोड की है उसके अंदर मैंने यही बात आपको बताई थी कि ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग, इनसे लीव्स जो है वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसको अगर पानी कम मिल रहा है तो ऊपर से जो है वो लीव्स इसके ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, या पानी ज़्यादा मिल रहा है तो भी जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ज़्यादा पानी कम मिलने से जो है वो ऊपर से इनकी जो टिप्स होती हैं वो ख़राब होती हैं, लेकिन पानी का आपको मैंने बताया हुआ है कि आप बहुत ही आसानी से जो है वो इसको आप पानी दे सकते हैं। सिर्फ आपने ये चेक रखना है कि इसकी मिट्टी कब ड्राई हो रही है। जब इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए फिर आप इसको पानी दें। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऊपर वाली मिट्टी देखते हैं कि ऊपर वाली मिट्टी काफ़ी ड्राई हो चुकी है तो हम पानी दे देते हैं। कोशिश करें कि 1 से 2 इंच जो है वो आप अपनी फिंगर को यूज़ करके या कोई वुडन स्टिक को यूज़ करके मिट्टी के अंदर आप उसको जो है वो डालें, और फिर आपको पता चलेगा कि नीचे वाली जो मिट्टी है उसका क्या स्टेटस है। क्योंकि ऊपर से ड्राई होना स्टार्ट होती है तो हमें दिखता है कि ड्राई हो गई है और हम पानी डाल देते हैं, जबकि नीचे वाली जो जहाँ रूट्स होती हैं वो मिट्टी जो है वो भी ड्राई नहीं होती। तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम ये होता है कि रूट्स डैमेज हो जाती हैं, उनको वहाँ पर जो है मिट्टी ड्राई ना होने की वजह से उनकी रूट्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से देखें मैं पॉट के अंदर जो है वो लगा रहा हूँ, और ये बेसिकली मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका जो आगे का रिजल्ट है वो मैंने आपको असल चीज़ जो है वो दिखानी है, उसके अंदर जो सीन है वो चेक करवाना है आपको। ये मैंने 7 महीने पहले की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ें जो है वो करके दिखाई थी, और उनका जो रिज़ल्ट है वो अब ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इनके जो है वो न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। जी एग्जैक्टली ये वही सेम पॉट है जिसके अंदर मैंने वो लगाया था, और इसके अंदर से जो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली चीज़ दिखा रहा हूँ कि एक लीव के थ्रू जो है वो, एक लीव को अगर हम देखें तो जो मैंने एक वहाँ से एक कट किया था लीव, और उसके अंदर से अब माशाल्लाह देख सकते हैं आप 3-3 जो है वो न्यू स्नेक प्लांट आपके ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रोपिगेशन में यही सबसे बड़ा मज़ा आता है कि आपको रिज़ल्ट दिखता है जब, तो आपको खुशी होती है कि आप एक काम कर रहे हैं और उसमें आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलती है, आप मज़ीद जो है वो काम करना चाहते हैं। अगर इसको मैं क्लियर करके दिखा सकूं आपको, तो पानी से मैं इसको साफ़ करके दिखाऊं आपको, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 3 जो है वो ये इसके न्यू पप्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। समझे 3 न्यू स्नेक प्लांट निकल रहे हैं, ये एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और इनके जो रूट्स हैं वो आप देखें, एक आपको वाइट कलर की रूट दिख रही है, जो ये न्यू ग्रोथ हो रही है उनकी वाइट कलर की रूट्स हैं, जो पुराना लीफ है उनकी ऑरेंज कलर की जो है वो ये रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनको जो असल चीज़ जो आपको मैंने बतानी है इस वीडियो के अंदर, जो एक सीक्रेट है वो यही है कि इनको हम किस तरह से अब जो है वो आगे लेकर चलें। अब ये तो निकल गए, अब इनको आगे किस तरह से करेंगे, इन स्नैक प्लांट जो नए वाले हो रहे हैं इनको हमने क्या करना है, किस तरह से लगाना है, तो ये ज़रा मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है ना, कटिंग कर देनी है इसकी, यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। तो देखें उसके साथ रूट्स अवेलेबल हैं, उसकी रूट्स मौजूद हैं, उसको खाना मिलता रहेगा, तो उसके लिए भी हमें रूट्स मिल गई, और जो हमारा पुराना लीफ है उसके अंदर भी ऑलरेडी रूट्स मौजूद हैं। तो देखें यहाँ पर ये इसके 2 न्यू जो है वो स्नैक प्लांट निकले हैं इसके, और इनके जो है वो 3 वालों को भी मैंने अलग कर दिया है। तो इनको सेपरेट करके इनको तो हम लगा देते हैं इस बॉल के अंदर, और ये प्लास्टिक का बॉल है, इसके अंदर नीचे जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो ड्रेनेज कर दिया है, और इनको मैं धूप में रखूँगा। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने आपको कहा कि भाई इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, लो से लो लाइट रखनी है। लो से लो लाइट का जो सीन है वो इसकी बर्दाश्त का है, टॉलरेंस कितना कर सकता है ये, कितना टॉलरेट कर सकता है। लेकिन आप इसको अच्छा अगर ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप इसको ब्राइट स्पॉट दें, जितना ब्राइट लाइट देंगे इसको उतना ही अच्छे से चलेगा। इसको अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आपको पानी का ख्याल रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और इस तरह से इसको फर्स्ट टाइम मैंने पानी काफ़ी सारा दे दिया है ताकि ये मिट्टी के अंदर जो है वो ठीक से बैठ जाए।
अब जो सीन है वो देखने का है। अब देखें ये जो पुराने लीव थे जो मैंने ऑलरेडी प्रोपिगेशन की है और उनके न्यू जो स्नेक प्लांट निकल रहे थे उनको मैंने अगेन जो है वो उसके अंदर लगा दिया है, तो अब इनको हम दोबारा यूज़ करेंगे जी। अब हमें दोबारा से अपने पुराने वाले या मदर प्लांट से दोबारा से लीव को कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। इनकी लीव्स इनके नीचे जो रूट्स हैं वो अवेलेबल हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका वो यही है कि इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये एक पुराना लीफ मेरा यहाँ पर मौजूद था, इसके अंदर से मैं सेपरेट कर चुका हूँ और इसको मैंने रीयूज़ किया, इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया, ज़मीन के अंदर लगाया, ये दोनों को मैंने मिट्टी में लगा दिया था और अब इनके अंदर से समझें ये दूसरी दफ़ा जो है वो ये ग्रो हुए हैं। ये दूसरी दफ़ा इसी एक लीफ के अंदर से दूसरी दफ़ा ये एक न्यू स्नेक प्लांट जो है वो ग्रो कर गया है। तो इस तरह से आप अपने पुराने लीव्स को जिनके अंदर रूट्स मौजूद हैं उनको दोबारा आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। अच्छा ये आपको लास्ट और फाइनल प्रोपेगेशन मेथड आपको बता रहा हूँ, वाटर प्रोपेगेशन। ये मैंने ऑलरेडी बताई थी लेकिन ये इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा लीव को कटिंग करके मैंने ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने लगा दिया था और अभी आप ये देख सकते हैं नीचे से इसकी किस तरह से रूट्स जो है वो डिवेलप हो चुकी हैं। अब ये टाइम है या तो आप पानी में इसको चलाएँ या फिर आप मिट्टी में डाल दें। जिस तरह से मैंने इसे मिट्टी के अंदर लगा दिया है और ये मैंने ज़मीन में लगाया था और अब आप देख सकते हैं ये लीव जो न्यू निकल रहा है ये उसी का ही न्यू लीव नीचे से जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो पानी वाला मेथड भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिंपल आपने जो है वो पानी चेक करते रहना है कि फ्रेश वाटर होना चाहिए, ज़्यादा गंदा पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो पानी वाला काम भी जो है वो बहुत सेट रहता है और आप इजीली जो है वो इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आपने तीनों मेथड आपको मैंने बताए हैं, लीफ वाला भी मेथड बताया आपको, रूट डिवीजन वाला मेथड भी बताया आपको और ये पानी वाला जो है वो वाटर प्रोपेगेशन भी आपको मैंने बताई है। तो स्नेक प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त इजीली आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।